नमस्कार दोस्तों, यूएसए सेंटरप्राइज दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर था, यानी कि ये 3 साल तक लगातार बिना रिफेलिंग के वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता था। उस टाइम पर इतने ही समय तक न्यूक्लियर जनरेटर चल सकते थे क्योंकि उस टाइम की टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं थी, जबकि आजकल की एयरक्राफ्ट कैरियर 20 से 25 साल तक भी चल सकते हैं। इसे उस समय के 450 मिलियन यानी कि आज की रेट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन में खरीदा गया था, जो कि इंडियन रुपीज में 35,000 करोड़ रुपए के बराबर है। 1960 में यूएसए की सभी ओपोनेंट के पास में डीजल से चलने वाले कैरियर भी नहीं थे। उस समय पर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होने के वजह से यूएसए की समंदर की बिस में रिस्क कहीं गुना बढ़ गई थी। इसी नाम से यूएसए की पास वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे रिटायर कर दिया गया था और उसका नाम इसे दे दिया गया था। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।